ये देखिए, यहाँ का घर, यहाँ का आसमान, यहाँ के वादियाँ, यहाँ के पहाड़, यहाँ के बादल, मतलब इतना खूबसूरत है यहाँ का नज़ारा, यहाँ का घर देखिए। और कहते हैं कि यहाँ के आदमी सब लोग अमीर हैं। ऐसा लगता है ये इंडिया नहीं है भाई, ये इंडिया से बाहर है, स्विट्ज़रलैंड जैसा ही लगता है, एकदम बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड जैसा लगता है। ये देखिए ना। हेलो, ये देखिए। I like it man. It's very beautiful. और उधर भी है, ये देखिए। और ये है रास्ता, यहाँ का नज़ारा, यहाँ का घर, यहाँ का आसमान, बादल, ये देखिए पहाड़, यहाँ के घर, हर एंगल से आपको स्विट्ज़रलैंड ही लगेगा यहाँ पे। क्योंकि ये देखिए, यहाँ का मौसम भी वैसा ही है, ठीक, बहुत ठंडा है यहाँ पे। ये देखिए है ना खूबसूरत। ये देखिए यहाँ का घर बहुत सुंदर सुंदर होता है, और इधर मेरे साइड पे भी एक घर है, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए, और यहाँ का घर जो है, सारा घर सेम जैसे ही होता है, यहाँ का आर्किटेक्चर जो डिज़ाइन है वो सेम होता है। देखिए, और कहते हैं कि यहाँ के आदमी सब लोग अमीर हैं, यहाँ का जो अर्निंग सोर्सेस है बहुत ही अच्छा है, तो सब लोग अमीर है यहाँ पे। गरीब कहीं भी आपको, गरीब लोग को कहीं दिखाई नहीं देगा, सब अमीर है। ये देखिए, ये मेचू का टाउन है, बहुत ही खूबसूरत टाउन है। और यहाँ का घर ये देखिए, ये देखिए, इसीलिए तो यहाँ पे इस जगह को स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं। आपका घर का डिज़ाइन वगैरह, मतलब क्या बोलो, बहुत सुंदर। ये देखिए खुला आसमान, उधर देखिए बादल, उधर है पहाड़, पहाड़ के बीचों बीच यहाँ पे है ये मेचू का टाउन। और यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है, और ट्रैफिक नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, पॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये देखिए यहाँ का घर बहुत सुंदर होता है, ये देखिए, सुना था मैंने, और यहाँ पे आके अभी महसूस कर रहा हूँ, एंड इट इज़ रियल। यहाँ का घर का डिज़ाइन वगैरह, यहाँ पे हर घर ऐसा ही मिलेगा आपको। यहाँ का घर, सबका घर का डिज़ाइन एक ही होता है, सेम डिज़ाइन होता है, और ऐसा लगता है सब लोग यहाँ पे इक्वल है, मतलब कोई गरीब अमीर नहीं है। ये देखिए, सब लोग यहाँ पे, गरीब अमीर कोई भी नहीं है ऐसा लगता है, क्योंकि घर जो है, सबका घर का डिज़ाइन वगैरह एक ही होता है। यहाँ का इन्फॉर्मेटरी जो साइन होता है ना, इन्फॉर्मेटरी साइन भी बहुत सुंदर से बनाया हुआ है। ये देखिए, आंटी जी यहाँ पे वो रोटी खाने का ऐसा रोटी का दुकान मिलेगा आसपास? हाँ, रोटी पूरी पराठा ऐसा कुछ भी नहीं मालूम है। दुकान? हाँ ओके, वहाँ पे मिल जाता है ना, मिलेगा सर ना। थैंक यू सो मच सर। तो भूख लग रहा था, तो वॉकिंग करते करते मतलब मुझे भूख लग गया, तो सोचा कि इधर में जाके ब्रेकफास्ट कर लूँ, लेकिन यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने का जगह दिखाई नहीं दे रही थी, तो उनको पूछा तो उन्होंने बताया कि आगे थोड़ा मिल जाएगा, तो चलिए आगे जाते। और जाते जाते और भी दिखाऊंगा, यहाँ का घर देखिए ना, देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउसेस मैन। काश आई विश आई हैड यू नो होम लाइक दिस ब्यूटीफुल, ऐसा कुछ एक घर होता, मज़ा आ जाता। मेरा भी इच्छा है भाई ऐसे जगह में, ठंडी जगह में, ऐसे ऐसे मौसम में, ऐसे वातावरण में, मतलब एक घर होता काश। आई थिंक ऐसा पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे, तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बाहर के आदमी लोग ज़मीन खरीद भी नहीं सकते ना। यहाँ के किसी को शादी करना पड़ेगा था तब जाके होगा। यहाँ के सड़कें जो है इतना साफ़ होता है, क्या बोलो, मतलब यहाँ पे कोई कहीं भी आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखाई नहीं देगा। ये देखिए
बहुत ही साफ है, नो पॉलीथीन, नो पेपर्स, लीथर नहीं करते यहाँ के आदमी लोग, गंदा नहीं करते, जो बहुत ही अच्छा चीज़ है। ऐसा हर शहर में अगर कास्ट मेंटेन होता तो हम लोग के शहर बहुत ही सुंदर होता। तो यहाँ का खासियत यही है कि रास्ता भी बहुत सुंदर होता है। देखिए ये एक घर है, बहुत ही खूबसूरत घर है, और घर के नीचे ये देखिए घोड़ा है, और यहाँ पे घोड़ा टाउन के अंदर हर जगह में आपको घोड़ा देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये देखिए, वाह, मतलब यहाँ का जो खूबसूरती है ना, मेचुगा टाउन का खूबसूरती ये बढ़ा देता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे घोड़े भी देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए मुझे तो बहुत पसंद है घोड़ा, आप लोगों को कैसा लगता है मुझे कमेंट करके बताइए। ये देखिए, और ऊपर भी है, ऊपर का दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा तो ऊपर तक है। हेलो, ये देखिए, वाओ मैन, सफ़ेद घोड़ा, सुंदर है, बहुत सुंदर है। और साइड साइड में देखिए बहुत खूबसूरत सा घर एक बना हुआ है। ऐसा हर जगह में आप लोगों को यहाँ पे ना मेचुका टाउन पे हर जगह में सेम घर देखने को मिला, सेम डिज़ाइन का घर देखने को मिलेगा। और ये मेचुका टाउन पहाड़ के ऊपर से कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये देखिए, वाह मैन, हर एंगल से आपको ये स्विट्जरलैंड ही लगेगा, क्योंकि यहाँ का घर, यहाँ का मौसम, मतलब ये देखिए आसमान, ये देखिए कितना खूबसूरत है, क्या बोलूँ। और हल्की सी बारिश भी हो रही है यहाँ पर, और बहुत ठंड है यहाँ पर। जब भी आप लोग यहाँ पे आएंगे, आप लोग यहाँ पे आने के टाइम पे जैकेट या स्वेटर, ऐसा कुछ गर्म का जो कपड़ा होता है ना, गर्म देने वाली कपड़ा, ऐसा ज़रूर से लेके आइएगा जब भी आप लोग यहाँ पे आएंगे। थोड़ा जूम करके दिखा दो आप लोग को, देखिए उस साइड में भी पहाड़ है, ये देखिए बहुत ही सुंदर पहाड़ है, और पहाड़ के ऊपर है बादल, बादल छाए हुए हैं, ये देखिए। This is the Switzerland of India, man. It's really beautiful. When you come here, then you'll say that yes, this is really beautiful. ऐसा लगता है ये इंडिया नहीं है भाई, ये इंडिया से बाहर है, स्विट्जरलैंड जैसा ही लगता है, एकदम बिल्कुल स्विट्जरलैंड जैसा लगता है। ये देखिए ना, आप लोग देख के अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि ये क्या इंडिया जैसा लगता है क्या, आप लोग को लग रहा है क्या इंडिया है, लेकिन ये इंडिया पे ही है भाई। अरुणाचल प्रदेश बहुत ही खूबसूरत टाउन है, ये मेचुका अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ये देखिए बहुत ही सुंदर है, और बहुत साफ है, बहुत क्लीन एयर है यहाँ पे, फ्रेश है, नो पॉल्यूशन, नो साउंड पॉल्यूशन, यहाँ पे क्राउड भी नहीं, ना ट्रैफिक मिलेगा आपको, बहुत सुकून मिलेगा जब आप लोग आएंगे। तो मैंने आप लोग को सुबह सुबह मेचुका टाउन, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं, उस टाउन का सैर करा दिया। कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और बहुत ही खूबसूरत टाउन है, जब आप लोग आएंगे तब फील करेंगे, आप लोग वीडियो में देख के भी आप लोग को पता चल चुका होगा, नज़र लग चुका होगी कैसा। और बहुत ठंड है यहाँ पे, मतलब क्या बोलूँ, ठंड लग रहा है मुझे, अभी भी ठंड लग रहा है, और यहाँ पे हल्का सा बारिश, हल्की सी बारिश भी हो रही है, और मतलब क्या बोलूँ, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। आप लोग आइए, और ऐसा जगह आप लोग इंडिया में दूसरा कहीं नहीं मिलेगा, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है, मतलब क्या बोलूँ। तो चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर मुझे फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, ताकि जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, और मैं वहाँ पे भी फेसबुक पेज पे वीडियोस वगैरह जो डालते रहता हूँ। और मिलेंगे अगले ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो पे, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और मैं फिर दूसरा स्पॉट पे जा रहा हूँ, तो मिलेंगे दूसरे वीडियो पे। सो सी यू सून, बाय बाय।